ये जो कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आया है, ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बीजेपी द्वारा ये प्रायोजित है। फिल्म को बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री वो बीजेपी के समर्थक है, कट्टर एकदम संघी सोच वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के नेता हैं, बंगाल में चुनाव लड़े थे तो बोले थे हम कोबरा हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। और अनुपम खेर तो खुलेआम बैटिंग करते हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी वाले ही फिल्म बनाए हैं। अरे ये नचनिया बजनिया क्या आप जानता है, आप बताइए ना कि वो नाचने वाला और गाने वाला लोगों को क्या पता है इतिहास। आई एम ए डिस्को डांसर को बोल रहे हैं, मतलब हतवार क्या। एक फिल्म के लिए लोग आंसू बहा रहे हैं, हम तो देख के आश्चर्यचकित रह गए कि इस फिल्म को बिहार में बैन कर देंगे। क्या बात करें, सही बोल रहे हैं, हम बैन कर देना चाहिए अगर नीतीश कुमार जी, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा उनको अगर वो बिहार में इस फिल्म को चलाने से बैन कर देंगे तो। पश्चिम बंगाल जहाँ मिठुंदा है जी, मरीज झापी में दलितों पर नरसंहार हुआ, दलितों का, और किसी और के द्वारा नहीं, बंगाल की लेफ्ट सरकार के द्वारा हुआ, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते मिथुनदा? नचनिया मिथुनदा क्या कर रहा है, उस पर क्यों नहीं बना? उसके बंगाल के अंदर में जो इतना बड़ा कांड हुआ, मरी झापी में जो दलितों को मारा गया, हजारों दलितों को, तो उस पर क्यों नहीं फिल्म बना? तो उस पर भी बनाए। बिहार में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस फिल्म को लेकर देश भर में वाद विवाद हो रहा है। हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट हैं मनीष पासवान। बिहार में भी अन्य बीजेपी शासित राज्यों की तरह द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये जो कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आया है, ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बीजेपी द्वारा ये प्रायोजित है और बहुत दुख होता है कि आप देखिए कि हम टीवी चैनल पे देखें जो कश्मीरी कहा जाता है कि जो एक्यूज थे जिनके साथ ये घटना हुई है, वैसे लोग बैठ के चैनल पे डिबेट करते हैं और वो करोड़पति लोग हैं। आप पता कर लीजिए कि कितने कश्मीरी जो वहाँ पे एक्यूज है, जो कहते हैं कि हमें वहाँ से भगाया गया है, उनका क्या स्थिति है। इस पर एक जाँच होनी चाहिए, इस पर आप बेचारा बेचारा है। आपको बता दें कि जो वहाँ के जो जितने भी एक्यूज थे उनको कैंप में रखा गया था, उसके बाद उनको सारे लोगों को आवास बना के दिया गया है और आज के डेट में कश्मीर के अंदर उनके लिए अलग से कोटा है। तो समझ लीजिए कि इस देश के अंदर गुजरात मोदी जी के राज्य में आप देखें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पर लाखों आदिवासियों को वहाँ पर खाली करना पड़ा है ज़मीन, और वो आदिवासी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके लिए कोई फिल्म नहीं बनता है। बस्तर में आदिवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है, उनको गोली मार दिया जाता है, उनके साथ कोई फिल्म नहीं बनता है। आपको बता दें कि गुजरात राज्य में आप पता करेंगे कि 7% दलित है। आप इतिहास को उलट के देखेंगे तो वहाँ से दलितों को मार मार के भगाया गया है, उस पर कभी क्यों नहीं फिल्म बनता है? वो मोदी जी का राज्य है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है और ये समाज के अंदर उन्माद फैलाने का और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा से भटका के और वोट लेने की राजनीति है और इसमें कुछ नहीं है। फिल्म आप बताइए कि फिल्म, एक फिल्म के लिए लोग आंसू बहा रहे हैं, हम तो देख के आश्चर्यचकित रह गए कि लोग रो रहे हैं। हम तो लोगों से चैनल वाले भी रो रहे हैं टीवी। हाँ, ये चैनल वाले तो ऐसे ही बिके हुए हैं, गोदी मीडिया से उनको संबोधित किया जाता है तो उनका काम है, उनको पैसा मिलता है और वो दिखाते हैं अपना न्यूज, तो मीडिया के द्वारा और जो भी संघ प्रायोजित जो भी सेलिब्रिटी है उनके द्वारा इस फिल्म को हाईलाइट किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इस देश के अंदर दलितों को, आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिले, उनको अधिकार से वंचित रखा जाए और धार्मिक उन्माद में चुनाव हो और मुद्दा से भटकाया जाए। इस फिल्म में जो भी लोग हैं मुख्य लोग हैं, फिल्म को बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री वो बीजेपी के समर्थक है, कट्टर एकदम संघी सोच वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के नेता हैं, बंगाल में चुनाव लड़े थे तो बोले थे हम कोबरा हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। और अनुपम खेर तो खुलेआम बैटिंग करते हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी वाले ही फिल्म बनाए हैं। अरे ये नचनिया बजनिया क्या आप जानता है, आप बताइए ना कि वो नाचने वाला और गाने वाला लोगों को क्या पता है इतिहास। आई एम ए डिस्को डांसर को बोल रहे हैं, मतलब हतवार क्या। नाचने वाले लोगों को क्या पता है, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो रिसर्च किए हैं, जो समाज को जाना है, इस देश के इतिहास को जाना है, उन लोगों को वो लोग कहते तो ये नचनिया बजनिया, इनको पब्लिसिटी मिल जाता है, लोग जानते हैं नाचने गाने के लिए, और ऐसे लोगों को बीजेपी यूज करती है और ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश के अंदर। और बहुत दुख होता है कि वैसे टैक्स फ्री किया जा रहा है, इस पे क्या कहें।
नीतीश कुमार की तो छवि है कि सेकुलर हैं, वो जितना हिंदुओं के हैं उतने मुसलमान के हैं, तो इस फिल्म में तो मुसलमानों के प्रति दिखाया जो गया नकारात्मक है। देखिए नीतीश जी कैसे टैक्स फ्री कर दिए। देखिए सीधा सीधा हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पता चला है कि ये जो डिप्टी सीएम है उन्होंने टैक्स फ्री करवाया है, और नीतीश जी से हम मांग करते हैं कि अगर वो मुसलमानों के प्रति थोड़ी सी भी उनके अंदर संवेदना है, उनके खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है, तो इस फिल्म को बिहार में बैन कर देंगे। क्या बात करें, सही बोल रहे हैं हम, बैन कर देना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा उनको अगर वो बिहार में इस फिल्म को चलाने से बैन कर देंगे तो बीजेपी सरकार है उनकी गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी नहीं गिरेगी ये हम नहीं कहेंगे। एक नीतीश कुमार जी अगर अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमानों पसमानदाओं की वो बात करते हैं, मुसलमानों के अधिकारों का बात करते हैं, तो वो उन्हें चाहिए कि उनके अधिकारों का इससे हनन होगा आने वाले समय में उनको। और ऐसा ही आप सुनिए कि सुनिएगा कि मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, और ऐसे दौर में अगर वो नहीं करते हैं तो ये बहुत ही बहुत बुरा होगा, और नीतीश कुमार जी को इतिहास याद करेगा इस रूप में याद करेगा कि वो मुसलमानों के साथ जो प्रोपगेंडा हो रहा था उस समय ये भी वहाँ पे के साथ खड़े थे। देखिए मरीज झापी बंगाल में दलितों को, हजारों दलितों को मारा गया था, उनके साथ इतना अत्याचार किया गया था, उस पर क्यों नहीं फिल्म बनता है, और इस पर भी फिल्म बनानी चाहिए। अगर ऐसे डायरेक्टर वो कहते हैं कि ये इतिहास है, मतलब ये दुख होता है कि नचनिया बजनिया डिसाइड कर रहे हैं कि इतिहास क्या है, मतलब काफी दुख होता है। यानी पश्चिम बंगाल जहाँ मिठुंदा है जी, मरीज झापी में दलितों पर नरसंहार हुआ दलितों का, और किसी और के द्वारा नहीं, बंगाल की लेफ्ट सरकार के द्वारा हुआ, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते मिठुंदा? यही बात है ना कि नचनिया मिथुंदा क्या कर रहा है, उस पर क्यों नहीं बना? उसके बंगाल के अंदर में जो इतना बड़ा कांड हुआ, मरी झापी में जो दलितों को मारा गया, हजारों दलितों को, तो उस पर क्यों नहीं फिल्म बना? तो उस पर भी बनाए। चलिए, तो मनीष पासवान दलित एक्टिविस्ट हैं, इनका कहना है कि दलितों पर अत्याचार होता है या दलितों पर कोई भी फिल्म आती है तो उसको टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जाता इस तरह से? और द सुद्रा राइजिंग एक फिल्म आई थी, वो तो रिलीज ही नहीं हुई, तो इस तरह से जब दलितों पे जुल्म होता है तो उस पे फिल्में बनती भी है तो उसे रिलीज नहीं किया जाता टैक्स फ्री करने के, तो दूर की बात है, सिनेमा घरों तक पहुँचती नहीं है फिल्म। साउथ में भले लगती है लेकिन इधर की बात करें उत्तर भारत में तो इधर वो लग ही नहीं पाती हॉल में। तो आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।